डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आज से 5-10 दिन पहले इस क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट थे, क्लास ज़्यादा बैड एरिया तो उतना ही था, तो क्लास ज़्यादा डेंस थी कि कम डेंस थी? आज क्लास में स्टूडेंट्स कम है तो डेंसिटी कम है, कल स्टूडेंट और कम होंगे तो डेंसिटी और कम होगी। डेंसिटी मने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर स्पेस में कितने नंबर ऑफ एवरेज पर्सन रह रहे हैं। घनत्व, अगर एक पर्टिकुलर लैंड पे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं, ज़्यादा डेंसिटी है, कम रह रहे हैं, कम डेंसिटी है। ज़्यादा डेंसिटी और कम डेंसिटी क्यों होगी? इसके कई सारे रीजंस होंगे। नेचुरली बात है कि लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए एक जगह पे जाते हैं, कई कारण होंगे। पहला तो वहां पर एजुकेशन का लेवल कम है, इस वजह से बच्चे बहुत हाई लेवल पे पैदा हो रहे हैं, नेचुरल ग्रोथ ही बहुत है, इस वजह से डेंसिटी ज्यादा है। दूसरा रूरलाइजेशन है, अभी अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, इस वजह से बर्थ रेट काफ़ी है, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बैकवर्डनेस है। तीसरा कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही भयंकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत ज़बरदस्त हेल्थ सेंटर्स हैं, बहुत हाई लेवल पर इंडस्ट्रीज हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, सराउंडिंग रीजन के सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, इस वजह से डेंसिटी ज़्यादा है, लाइक दिल्ली। चौथा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हैं, पंजाब की कैपिटल, हरियाणा की कैपिटल, इंडिया की कैपिटल, तो कैपिटल सिटी में ज़्यादा डेंसिटी होती है क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और बाकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, लिविंग कंडीशन जहाँ अच्छी होंगी, पीने को सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, रहने को घर होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, सिक्योरिटी होगी, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये सारे कारण हैं डेंसिटी ज़्यादा होने। तो आप एक बात अंदाजा लगा पा रहे हैं कि डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर है? डेंसिटी मेनली उन केसेस में वहाँ ज़्यादा है जहाँ पर लोग वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज को बेटर वे में अपने बेनिफिट के लिए कन्वर्ट कर पा रहे हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बना पा रहे हैं, वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? अवेलेबल रिसोर्सेज को अगर आप कन्वर्ट करके प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए रिसोर्सेज, दूसरा आपको चाहिए पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन होनी चाहिए स्किल्ड, और तीसरा आपको चाहिए टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्निक। ये तीन चीज़ें आपको मिल जाए तो वो जो रिसोर्सेज हैं उसको ये पॉपुलेशन जो कि स्किल्ड है टेक्निक और टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कन्वर्ट, जहाँ पे ऐसा हो रहा है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, ये सारे एरिया हाई डेंसिटी एरिया है और इन सारी जगहों पे यही हो रहा है। आप देखिए जलंधर के मुकाबले लुधियाना की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पहला वहाँ पे हॉजरी इंडस्ट्री है, दूसरा वहाँ पे साइकिल इंडस्ट्री है, तीसरा हैंड टूल इंडस्ट्री है, इन सारे कारणों से वहाँ पर यूपी बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप इसके कंपैरिजन में देखिए बठिंडा, इंडस्ट्री का कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो डेंसिटी भी बहुत कम है, कोई वहाँ पे जाता भी नहीं है ना, दिस इज़ द रीज़न है बस। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने यही बताया है कि भाई ये है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ती जा रही है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की, क्योंकि देखो 2.4% लैंड है इंडिया के पास,
जब मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया के पास 2.4% लैंड है, तो मतलब मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्या क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब इतना लैंड है उसका 2.4% लैंड इंडिया के पास है, और पूरे वर्ल्ड में जितने कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए इंसान है उसका 2.4% इंडिया के पास है, 17.4%, 17.1%, अप्रोक्सीमेट 17%, 16.9%, ठीक है। तो द थिंग इज, ऐसे में आप देखेंगे अगर जनसंख्या बढ़ती जाएगी लैंड तो भी बढ़ेगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या में पॉपुलेशन तो डेंसिटी तो बढ़ती जाएगी। एट प्रेजेंट 2011 में इंडिया की डेंसिटी, अब ये फिगर्स याद रखती है, कुछ कुछ फिगर्स में ऐसे बोलने को याद रखती है तो वही वाली याद रखती है, इंडिया की डेंसिटी ने देना 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब मेरे बच्चे बताएंगे स्क्वायर किलोमीटर क्या है, जैसे आज की स्क्वायर किलोमीटर व्हाट इज स्क्वायर फीट, जैसे क्लास की लेंथ 10 फुट है और क्लास की ब्रेथ 10 फुट है, तो स्क्वायर किलोमीटर बताओ। नेचुरल भी बात है, आप इधर को और इधर को जाइए सारा ही कवर हो जाएगा, तो स्क्वायर फीट, ठीक है, ऐसे ही स्क्वायर किलोमीटर। तो पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज डेंसिटी। तो इंडिया में 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, वहाँ से एक स्क्वायर एक किलोमीटर उधर को, अर्बन स्टेट 1 किलोमीटर इधर को, तो 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर उधर, मतलब उधर से भी 1 किलोमीटर उधर को और उधर से 1 किलोमीटर इधर, मतलब इतना एरिया 382% पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये वो एवरेज है, वर्ड मैंने यूज किया था एवरेज, तो मतलब कहीं पे बहुत कम भी है कहीं पे ज़्यादा भी है ना, कोई कोई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोग बाग ही नहीं होते, डेजर्ट्स में भी नहीं होते, राजस्थान जो पेनिनसुलर प्लेचू है इंडिया का, पेनिनसुलर प्लेचू पता है तुमने, ये पेनिनसुलर प्लेचू है इतना, कोई भी वो लैंडमार्क जो 3 तरफ से पानी को टच करता है, दैट इज पेनिनसुलर, ठीक है, इधर से बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, इधर इंडियन ओशन, तो दिस रीजन इज कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेचू। प्लेचू मैंने जो कि यहाँ पर छोटे छोटे प्लेचू हैं, ठीक है, पठारी इलाका है, ओके। सो द थिंग इज कि यहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा डेंस नहीं है, अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाएँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हिमालय माउंटेन्स डोमिनेटेड है, तो यहाँ की डेंसिटी भी बहुत कम है पहाड़ों में, लेकिन अगर आप देखें ये गंगा का मैदान ये सारा, तो ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। आप अगर पूछे कि डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इंडिया कौन सा है, दैट इज प्लेन ऑफ गंगा, क्यों, एक तो प्लेन है, रेल रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत है, सॉइल जो है वो नदियों के साथ बह बह के आई है, इस वजह से बड़ी फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल, इसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एग्रीकल्चर अच्छा है, इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है तो बेटर हेल्थ फैसिलिटी, बेटर एजुकेशन फैसिलिटी और बेटर लिविंग कंडीशन है, और अगर ये सब अच्छा है तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है, इस वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यहाँ था। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में रीजनल वेरिएशंस है डेंसिटी के मामले में, अगर आप ऑल इन ऑल बोलें कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी दिल्ली, चार्ट आपके सामने है, दिल्ली में बहुत भयंकर डेंसिटी है,
11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अगर आप स्टेट की पूछे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी बिहार, 1102 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। पहले बंगाल था, बंगाल को पार करिए बिहार ने। अब ये क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, बिहार। क्योंकि हम ये चैप्टर इकोनॉमी में कर रहे हैं, ज्योग्राफी में नहीं कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पे ना दें, मुद्दे की बात करें तो ये डेंसिटी का सारा सिस्टम है। अब डेंसिटी के बारे में इन्होंने ये कहा है इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में अगर हम पढ़े कि हाई डेंसिटी को सपोर्ट कैसे मिलेगा। एक पर्टिकुलर जगह पे डेंसिटी हाई है तो उसको कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम मिला होगा, तभी तो डेंसिटी हाई है। तो देखेंगे इसकी क्या वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इतनी सुपीरियर हैं, क्या वहाँ पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज इतने का अवेलेबल है जो हाई डेंसिटी को सपोर्ट किया हुआ है। कहना ये लोग ये चाहते हैं कि हाई डेंसिटी मतलब हाई डेवलपमेंट, हाई डेंसिटी मतलब हाई डेवलपमेंट, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। बिहार की डेंसिटी हाई है, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की डेवलपमेंट हाई नहीं है। दिल्ली में डेंसिटी हाई है लेकिन वहाँ पे स्लम्स भी बहुत हैं। किसी रीजन की डेंसिटी और पॉपुलेशन हाई क्यों होगी वो मैंने आपको बताया, इसमें रीजनल वेरिएशंस होंगी मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। अगला टॉपिक अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया अर्बनाइजेशन और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर चर्चा हो रही है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अर्बनाइजेशन क्या होती है, कौन से एरिया अर्बन है कौन से नहीं है। वेरी फर्स्ट थिंग, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कंसेप्ट रखे हैं, जैसे सारे वो एरियाज अर्बन हैं जहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज हैं, जहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड है, या जो नोटिफाइड टाउन एरियाज हैं वो तो सारे अर्बन हैं। इनके अलावा वो और एरियाज अर्बन हैं जहाँ पे मिनिमम पॉपुलेशन 500 है, 5000 है, जहाँ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के 75% मेल कम से कम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए हैं, और जहाँ की डेंसिटी कम से कम 400 है। क्वेश्चन आता होता है कि अर्बन एरिया कौन सा एरिया होगा, ये तीनों बातें याद रखना। क्या बताइए मैंने, रिपीट करो। 5,000 पॉपुलेशन और 400 वो एरिया हो जाएगा अर्बन। तो ये जो अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन हमने ली है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हम ये जानते हैं कि शुरू से ही हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री रही है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने वाले लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, तो हमारी कंट्री एक प्रीडोमिनेंटली रूरल कंट्री है। शुरुआत में 10-12-15% अर्बनाइजेशन था, धीरे धीरे बड़ा ग्रो किया, आज की डेट में अगर देखो एट प्रेजेंट 32% पॉपुलेशन अर्बन है, अभी भी 68% पॉपुलेशन रूरल है। तो द थिंग इज कि यहाँ से ये पता लगता है कि अर्बनाइजेशन की तरफ हमें कौन लेकर के जाएगा। आपने डेफिनेशन पढ़ी, इससे ये पता लगता है कि 5000 मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए और 400 डेंसिटी होनी चाहिए। तो पहला क्लॉज ये होता है कि 75% लोग जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में होने चाहिए, यानी कि जिस कंट्री की पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करे वो अर्बनाइज होगी, यानी कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करे या सर्विस सेक्टर में लगे हो। और अगर हमारी कंट्री की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ
क्या अर्बनाइजेशन के ट्रेंड को मैच करती है, तो देखते हैं जरा स्टडी करके करती है कि नहीं करती। आप सब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ने सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया, हमारे देश में सेकेंड फाइव ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्री को फोकस किया। लेकिन हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री जो होती है, इसकी एक खासियत ये होती है कि ये अपने आप में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है जिसके सराउंडिंग रीजन में छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगती हैं और फिर वो छोटी छोटी इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, पर ये खुद से इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाती हैवी इंडस्ट्रीज। तो सेकेंड ईयर, सेकेंड फाइव ईयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान, 1960-70s तक तो हैवी इंडस्ट्री का दौर चलता रहा, उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट नहीं हो पाई कि रूरल एरिया के लोगों को अर्बन एरिया मतलब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जॉब मिल पाए। और जितने कम लोगों को नॉन एग्रीकल्चर एरियाज में जॉब मिलेगी, अर्बनाइजेशन का लेवल उतना ही कम रहेगा। शुरुआती दौर में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है वो अर्बनाइजेशन को उतना सपोर्ट नहीं कर पाई। फोर्थ और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के बाद छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज आई और फाइनली 1980s-1990s के बाद बाजार को खोल दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आने शुरू हुए, बैंकिंग फैसिलिटीज आनी शुरू हुई, इंश्योरेंस सेक्टर आना शुरू हुआ, एग्रीकल्चर ग्रो हुआ, एग्रीकल्चर ग्रो होने की वजह से लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा दूर दूर, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ओपन हुए, तो नए नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स, नए एजुकेशनल सेंटर्स, नए नए एरियाज ओपन होने शुरू हुए। इनकी वजह से लोग गाँव से निकल करके शहरों की तरफ गए, लड़के लड़कियाँ पढ़ने भी लगे, उसकी वजह से वो अपने घरों से बाहर निकले, तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन ने रफ्तार पकड़ी। लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मानी जाती है कि किसी बड़ी कंट्री से हम कंपेयर करें। अगर आप इसको किसी बड़े मुल्क से कंपेयर करेंगे तो इसका लेवल मैच नहीं होगा, ठीक है। तो पिछले 60 सालों में आज़ादी के बाद हम वो रफ्तार नहीं प्रोवाइड कर पाए अर्बनाइजेशन को जो हमें करनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि अगर अर्बनाइजेशन होगा, नेचुरल सी बात होगी कि अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर बढ़ेगी तो नेचुरली जो लोग हैं शहरों की तरफ आएंगे, और शहरों की तरफ आने की वजह से शहरों में उनका रहन सहन जैसा होगा, इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। लेकिन उस लेवल पर हम कामयाब हो नहीं पाए उस लेवल पर जिस लेवल पर होना चाहिए। इसमें सेकेंड स्टेप आता है कि अगर हम ये कंपेयर करें कि इंडिया का अर्बनाइजेशन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज कहाँ पे स्टैंड करता है, तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। इंडिया ने इतनी लिबरल पॉलिसी, इतनी लिबरल डेफिनेशन अपनाई 5000%, जबकि जापान में वो एरिया अर्बन है जहाँ की पॉपुलेशन कम से कम 30,000 है। इतनी लिबरल डेफिनेशन अपनाने के बाद भी वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं किसी रशिया, जापान, अमेरिका, यूके, यहाँ पे 75, 77, 80, जापान 89, 90% तक अर्बनाइजेशन है और हम अभी भी 30% अर्बनाइजेशन। कहने का मतलब कि आज भी हमारे देश में जो हमारी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन है वो मेनली एग्रीकल्चर में ही लगी हुई है, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी में बहुत कम हो चुका है।
यही रीजन है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता है, उसको उसका शेयर नहीं मिल पा रहा है इकोनॉमी का जो मिलना चाहिए, जिसकी वजह से गरीबी है, औरतों की हत्या हो रही है, रहने के लिए घर नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, फीवर पे डिसाइड होता है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। रीज़न ये है कि जो पॉपुलेशन जिस सेक्टर में लगी है उस सेक्टर में इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो इतनी पॉपुलेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सके, इतनी एक्सेस पॉपुलेशन को अगर एब्जॉर्ब कराना है एम्प्लॉयमेंट में तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा, और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो करना होगा जो लेबर इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव ना हो। हमने वो इंडस्ट्रीज लगाई जिनमें पैसा लगता है, कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव यानी कि जिसमें टेक्निक मशीनें पैसा काम करता है। हमें वो इंडस्ट्रीज लगानी होगी जिसमें लेबर लगे, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। तो इस वजह से अर्बनाइजेशन पहली बात तो उस लेवल पे हो नहीं पाया। जो अर्बनाइजेशन हुआ भी वो उस लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट को, उस लेवल पर पॉवर्टी को टैकल नहीं कर पाया जिस लेवल पर इसे टैकल करना। अब अगर हम स्टडी करें कि पॉपुलेशन ऑफ लार्ज सिटीज विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन, अब ये बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेंड है, लेक्चर समझ में आ रहा है? मिलियन प्लस पॉपुलेशन। अच्छा मेरी बात सुनो, पूछो। ऐसा होता था कि सिटीज बढ़ी हुई है, क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर क्लास फाइव क्लास सिक्स, इस तरह से शहर बांटे हुए हैं, ठीक है। क्लास वन सिटीज वो जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से अबाउट, ठीक है। वो क्या रहा है, बस ट्रेंड बता देते हैं, मैं राम का नहीं जाना नहीं। वो क्या रहा है कि ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है, क्लास वन सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्लास वन सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और बहुत सारे क्लास वन सिटी के नंबरिंग भी बढ़ रही है। जैसे ये क्लास है, ये क्लास वन है मान, इसके स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं, और ऐसी और क्लासेस बन रही हैं, नंबरिंग भी बढ़ रही है। यहाँ से दो चीज़ें पता लगती हैं कि एक तो बहुत बड़े पैमाने पर क्लास टू सिटी से लोग क्लास वन में आ रहे हैं, ये क्लास वन सिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और बहुत बड़े पैमाने पर क्योंकि क्लास टू और क्लास थ्री सिटीज जो हैं उनमें थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो वो क्लास वन सिटीज बन जाती हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर क्लास टू और क्लास थ्री की भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो बहुत हाई लेवल पर क्लास वन में कन्वर्ट होती जा रही है, तो क्लास वन सिटीज की नंबरिंग भी बढ़ती जा रही है। तो बेटा बात यहाँ से ये निकल के आ रही है कि लोगों के अंदर ये धारणा है कि जब घर छोड़ना ही है, बाल बच्चा बीवी माता पिता छोड़ रही है, पर पट्टे नहीं होना चाहिए, छोटे शहर क्यों जाना है, मरो जाके दिल्ली बॉम्बे और कलकत्ता ही। तो प्रेफरेंस लोगों के बीच कौन सी सिटीज है, मेगा सिटीज, कि जब घर छोड़ा ही यहाँ से तो सोनीपत और पानीपत क्या जाना, फिर दिल्ली मरते चल के वहां से कुछ ज्यादा तो कमाएंगे। तो ये मोड है, तो ये ट्रेंड ऑब्जर्व होता है कि लोगों के अंदर बिग सिटीज को लेके ज्यादा प्रेफरेंस, और ये ट्रेंड ऑब्जर्व हुआ है कि क्लास 5 और क्लास 6 की सिटीज कम हो रही है नंबर में, उनके लिए प्रेफरेंस घट रहा है, क्योंकि वो लोग किधर जाए जा रहे हैं, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 की तरफ। बहुत रैपिडली बन रही है, बढ़ रही है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 सिटीज, नॉर्मल से वे में बढ़ रही है क्लास 4 सिटीज, और क्लास 5 और क्लास 6 सिटीज तो घट रही हैं उनका, क्योंकि वहाँ से जो लोग पिंडो में वापस आ रहे हैं, तो कभी देखोगे गांव से निकल के छोटे से शहर की तरफ गए होते हैं, फिर शहर से पिंड ही आ जाते हैं ना, मतलब नहीं है जमीन जो तो भी मोल। अब देखोगे अक्सर अमृतसर के सराउंडिंग गाँव से निकल के लोग अमृतसर जाएंगे, डेयरी खोल लेंगे, खर्चा खुर्चा चलेगा नहीं, 4-6 महीने में वापस गाँव आ जाएंगे, नहीं चलनी डेरी यार, फेल हो गया, लुढ़क गया काम।
या कोई कपड़े का धंधा खोलेंगे या कुछ खोलेंगे, फिर चुपचाप मुंह उठा करके गाँव वापस आ जाएंगे। तो या तो ये हो रहा है या लोग बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं, और जब बड़े शहर खत्म हो जा रहे हैं तो सीधा यहाँ से लोग बाहर ही जा रहे हैं फॉरन, कहते उधर ही चलो। सो एक नई चीज निकल कर क्या इंडिया में मेगा सिटीज बन रही है, बड़े बड़े शहर बन रहे हैं। क्या है वो मेगा सिटी जिसकी पॉपुलेशन मिलियन से अबव है, 1 मिलियन 10 लाख से अबव। इसमें आती है नंबर वन पे ग्रेटर मुंबई, सबसे पहले फिर कोलकाता, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, ये है बड़ी मेगा सिटीज। यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है बहुत तेजी से, बढ़ते जा रही थी, लेकिन उसके बाद एक परिवर्तन सा आ गया। और वो परिवर्तन क्या आ रहा है, किधर बताया उन्होंने जाकर के, यहाँ पे बताया। कुछ ऐसा ना करें कि मैं पॉपुलेशन ऑफ लार्ज सिटीज में मिलियन प्लस पॉपुलेशन के साथ इस टॉपिक को जोड़ दूँ, अर्बनाइजेशन एमर्जिंग ट्रेंड, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। यस yes. मैं जोड़ भी सकता हूँ, है ना, because I can do anything, है ना। Organizing our emerging new trends, अभी नया ट्रेंड आ रहा है पता, फिर इसमें फिगर्स बहुत सारी हैं, फिर उन्हें पढ़ोगे फिर घबराओगे, तो सीधी बात सुनो। शुरुआती 50 सालों में तानिया बहुत तेजी से ना दिल्ली और बॉम्बे की पॉपुलेशन बढ़ रही थी बहुत तेजी, लेकिन 2001 से 2011 तक का जो सेंसस था ना 10 साल का, इसमें एक उल्टा ही काम हो गया। इसमें क्या हुआ कि बॉम्बे और दिल्ली की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, अब ये मत कहना कि वो घट गई है, ऐसा हो रहा था कि वो 40% से बढ़ रही थी, वो एकदम से कम हो गए 8 और 20% पे आ गए, बढ़ने की रफ्तार एकदम ही खत्म हो गई, स्लो हो गई, नया ही ट्रेंड आया। ऐसा क्यों ये समझ नहीं आया किसी को, फिर स्टडी करा इन्होंने, कहते ऐसा क्यों हो गया। तो दो रीज़न निकल गए, पहला रीज़न वो कहते हैं कि जो दिल्ली में स्लम पॉपुलेशन बहुत है, दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन का 35-40% पॉपुलेशन स्लम में है, बहुत होता है 40%। और कहते जो कि कॉमनवेल्थ गेमों के समय में सारे स्लम्स का सफाया कर दिया था, तो वो लोग भाग गए थे अपने गांव, तो इस वजह से पॉपुलेशन में डिक्लाइन आया, एक रीज़न ये। और दूसरा रीज़न ये है कि दिल्ली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, जो लोग एक बार उखाड़ दिए गए दोबारा बस नहीं सकते, दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कॉमनवेल्थ की वजह से, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड हाई डिमांड में है, लैंड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है स्लम्स के लिए, तो दोबारा स्लम्स लग नहीं पाए। तो दिल्ली में लिविंग कॉस्ट बहुत हाई हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली को लोग अब अवॉइड कर रहे हैं। सर वैसे इसके इन्होंने नहीं बताए हैं, क्योंकि ये बुक ज्योग्राफी की नहीं है, इसके और बहुत कारण है। एनवायरनमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, दिल्ली का एनवायरनमेंट बहुत गंदा है, वाटर सप्लाई नहीं है ठीक, मतलब दिल्ली की लिविंग कंडीशन जो है वो बिगड़ रही है, इसलिए लोग वहाँ से भाग रहे हैं। सेम महंगाई वाला कंसेप्ट विद बॉम्बे, बॉम्बे में भी ऐसा। बॉम्बे मेरे बच्चों दो हैं, एक है वो वाला बॉम्बे जो आइलैंड है, जो बॉम्बे शहर है ना जिसको हम हीरोइनों से जानते हैं, वो आइलैंड सिटी है जिसे रेत भर के मेन लैंड से जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया, जुहू जुहू वरला वरली जुहू बांद्रा, बड़े अच्छे लगते हैं ये इलाके, खुले खुले समुद्री हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन असली बॉम्बे वो है जो मेन लैंड बॉम्बे है, जो सब अर्बन एरिया है, यहाँ पे मिलती हैं चौल झोपड़ियाँ स्लम, यहाँ पे जाके रहते हैं लोग, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन घट रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, लोग अब इस तरफ को माइग्रेट कर नहीं रहे,
इसका एक रीजन जो इन्होंने नहीं बताया वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने दत्तसुंदरम से भी आगे जा करके पढ़ाई कर ली है। एक रीजन ये है बेटा नेहा कि जहाँ से लोग माइग्रेट करके इधर को जाते थे ना, गवर्नमेंट ने वहीं पे ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें देनी शुरू कर दी। जैसे महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि माइग्रेशन को रोकने का एक तरीका ये भी है कि जहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं वहीं पे एजुकेशन दे दो, वहीं पे हेल्थ दे दो, वहीं पे एम्प्लॉयमेंट दे दो, फिर माइग्रेट क्यों करेंगे। तो पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ है, देश के छोटे छोटे शहरों में भी फैसिलिटीज आई है। जैसे आप उदाहरण दीजिए, आज मेरे पास 40-30-40 बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तैयारी यहीं मिल रही है, तो वो दिल्ली क्यों जाएंगे। लेकिन अगर मैं ना होता तो आप जाके 40 के 40 बंदे दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ाते ना, आपने बढ़ाई क्योंकि यहीं पे अवेलेबल हो गई, यहीं पे कॉलेज बन रहे हैं, यहीं पे पिम्स, तो एम्स जाना ही नहीं है, यहीं पे DMC, यहीं पे PGI, और अब तो और सुने पे सुहागा यहीं पे एयरपोर्ट बनेंगे, दिल्ली क्यों जाएंगे जब सब कुछ यहीं पे होगा। शादियों की शॉपिंग करने भी अब दिल्ली नहीं आते, यही अवेलेबल है माल मत्ता सारा, है ना। तो जिस एरिया से लोग माइग्रेट करके आ रहे हैं उस एरिया में सब कुछ प्रोवाइड कर दो, लोग माइग्रेट ही ना करें, ये भी कारण है लोग दिल्ली और उस तरफ नहीं जा रहे। और एक कारण है चूंकि दिल्ली बहुत महंगा हो गया है तो लोग दिल्ली के सराउंडिंग रीजन में सेटल हो जा रहे हैं, NCR नेशनल कैपिटल रीजन। जो दिल्ली है ना मिट्टी आर्ची, सराउंडिंग में गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, अब तो करनाल भी आ गया, इन सभी को हम हमारे देश की नेशनल कैपिटल से जोड़ के बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। यानी कि आप यहाँ पे रह के दिल्ली में जॉब करने जा सकते हैं, आपको रोमिंग नहीं पड़ेगी, आप रोज अप डाउन करो, इसलिए इसे NCR बोला गया। तो दिल्ली में जॉब करने वाले लोग चूंकि बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इस वजह से घर बार ले लेते हैं NCR में, यानी कि गाजियाबाद में रह लेते हैं, थोड़ा गरीब गाजियाबाद फरीदाबाद नोएडा नोएडा में रह लेते हैं, जॉब कर लेते हैं दिल्ली में, गुड़गांव गुड़गांव में गुजारा चल जाता है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली के सराउंडिंग में हमने सैटेलाइट सिटीज बना दी हैं, जैसे गुड़गांव बना दिया, गाजियाबाद बना दिया, अब लोग किधर सेटल हो रहे हैं, गुड़गांव में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, नोएडा में, तो दिल्ली जाके क्या लेना, ये एक कारण है। देखो समय मैंने आपको वो सारे कारण बता दिए जो उसमें नहीं केवल ये नया ट्रेंड पता चला। तो ये पूछ रहा है कि अर्बनाइजेशन एंड कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन एंड कैरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या क्या बातें करते हैं, मतलब करना है। देखो भाई, जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, छोटा से कुछ छोड़ा चलाना है इसी, तो या क्या अर्बनाइजेशन है तो मतलब क्या ठेका ले रखा है कि ये सब कुछ कर देगी। अर्बनाइजेशन क्या इस बात का इंडिकेटर है कि सब कुछ हो जाएगा, कुछ बुनियादी से सवाल किए एक आदमी ने, कहता है कि अर्बनाइजेशन से पर कैपिटा इनकम पे फर्क पड़ेगा, क्या अर्बनाइजेशन से बिलो पॉवर्टी लाइन पर फर्क पड़ेगा, क्या अर्बनाइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट का फर्क पड़ेगा। इन्हीं सवालों के जवाबों को टटोलते हुए कोई नए आंकड़े निकल करके आ गए, और उन्हीं आंकड़ों को जब हमने समझा तो कुछ नई कंक्लूजन निकल गए। वो क्या है, अगर पर कैपिटल इनकम के हिसाब से देखें तो हाँ, जो अर्बनाइज्ड एरिया है, अर्बनाइज्ड एरिया में नेचुरल सी बात है वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है, एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, तो अर्बनाइज एरिया की इनकम भी ज़्यादा होगी, तो इस वजह से डाटा निकल के आता है कि पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होगी। लेकिन
दो कंसेप्ट और निकल के आते हैं, अर्बनाइजेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से कोई उतना खास संबंध नहीं है, क्योंकि अर्बनाइज एरिया को अगर आप देखें तो हमारे देश में कुछ इस तरह का अर्बनाइजेशन हुआ है ना, कुछ इस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जो रूरल एरिया की लेबर फोर्स को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही जॉब है। आग लगी पड़ी आईटी सेक्टर, बाकी लड़के लड़कियां बेरोजगार पड़े हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन जो हुई है ना वो हॉलिस्टिकली नहीं हुई है, बड़ी एनक्लेव टाइप हुई है। एनक्लेव कहते हैं ना, एनक्लेव की पॉकेट्स में, और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने में अर्बनाइजेशन उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। यही कारण है कि आज भी देश में लगभग 8.5% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड, यूथ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आने वाले लोग हैं ना 15 से 64 साल, उनमें से 8.5% लोग आज भी अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर फेल हो गया है अर्बनाइजेशन, ये ट्रेंड फेल है, क्योंकि हमने उस लेवल पर इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप करी उस तरह की, और उस लेवल पर स्केल डेवलपमेंट नहीं किया पॉपुलेशन का, जो ये दोनों ही देश की डिमांड को सेटिस्फाई कर सके। इस वजह से जो इंडस्ट्री लगी, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुआ, तो उस लेवल पर नियर बाय विलेजेस के लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा, जॉब नहीं दे पा, कहीं और से ही आ रहे हैं लोग जॉब करने, दूर से ये हो रहा है। बात आती है बिलो पॉवर्टी लाइन के, अब जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दिया तो बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे ठीक होगा। वैसा देखा जाता है कि अर्बनाइजेशन हो जाने की वजह से भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है पॉपुलेशन के ऊपर कि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए, क्योंकि अर्बन एरियाज में ही बहुत भारी पैमाने पर स्लम पाए जाते हैं, और उन स्लम्स के पास कुछ भी नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, रोड नहीं है।